जय हिंद। आज की वीडियो लेफ्टिस्ट के बहुत ही प्यारे ध्रुवराठी के ऊपर है। यह मेरी तीसरी वीडियो है और मैं आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ध्रुवराठी ने 4 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की जिसका जो सब्जेक्ट था वो था रियलिटी ऑफ लव जिहाद। लेकिन अगर आप उसके थंबनेल को देखेंगे तो उसमें जिहाद को स्टार 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 किया गया है और पूरी वीडियो में उन्होंने जब भी जिहाद बोला उसको बीप किया गया और जहां भी जिस भी पिक्चर में जिहाद लिखा था उसको ब्लर किया गया। अब ये यूट्यूबर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता मानता है और ये सोचता है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का भंडार उसी के पास है, लेकिन दूसरी जगह ये डरता भी है कहीं इसके ऊपर कोई स्ट्राइक ना आ जाए या कहीं इसको कोई कुछ कह ना दे, और इसी डर से वो जिहाद नाम को लेने से घबराता है। अब विकिपीडिया जहां पे हमें इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसने इतने बड़े आर्टिकल्स उसमें आप गूगल करेंगे तो लव जिहाद पे आर्टिकल सारे डालेंगे और वो उसको साफ साफ दिखा भी रहे। अब मैं आता हूं वीडियो के ऊपर। वीडियो में ध्रुवराठी PEW एक रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, उसकी रिपोर्ट का हवाला देता है और बताता है कि PEW ने नवंबर 2019 में से लेकर 2020 तक, दिसंबर 2020 तक एक सर्वे किया जो रिलीजन के ऊपर था इंडिया के अंदर, और उस सर्वे में 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 26 स्टेट में हुआ, 3 यूनियन टेरिटरीज में हुआ और 17 लैंग्वेज में हुआ। अब आप ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि देश की जनसंख्या 135 करोड़ तो बोलते हैं, चलिए अब तो 136-137 हो गई होगी, 135 करोड़ पे 30,000 का सर्वे क्या पूरे इंडिया की सोच है? क्या वो एक जो वर्डिक्ट है उसके अंदर वो सही है? मैं तो नहीं मानता इसको, क्योंकि अगर एक बड़ा सर्वे हो तब हमें पता चले कि असल में क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स हो या ऐसे मीडिया हाउसेस हो और या ऐसे रिसर्च सेंटर, ये जानबूझकर इंडिया की इमेज को खराब ही करते और जो भी बड़े मेजर यहाँ पे मुद्दे हैं उन पे जानबूझकर वो चुप रहते हैं और पानी फेरना चाहते हैं। लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा आपने कुछ ही दिनों पहले जम्मू में जब सिख थे उन्होंने भी किया था और कई जगह केरला कई जगह पे चीजें आई और इस पे कानून भी बने और कई सारी ऐसी युवतियां थी, हिंदू युवतियां जो कन्वर्ट हो गई थी मुस्लिम धर्म में, वो सामने आकर वो रोई गिड़गिड़ाई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हमें शादी के बाद पता चला कि वो किसी और धर्म का है, वो है मुसलमान हो। अब इसी इसमें ये ध्रुवराठी बताते हैं कि कैसे इस एजेंसी ने पूरा सर्वे किया और इसमें बताया जा रहा है कि सारे धर्म चाहते हैं कि बिल्कुल सब मिलजुल कर रहें, कोई कहीं दिक्कत ही नहीं है, सारे लोग खुश हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? अगर आप इसी रिसर्च के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम है कहाँ आखिरकार, वो इन्होंने नहीं बताया। बस 30,000 जो एक छोटा सा आंकड़ा होता है 135 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर, और उसको इन्होंने पेश कर दिया। अब आगे अपनी वीडियो में क्या बताते हैं, मतलब बड़ा वाला ज्ञान बांट रहे हैं ये कि हमें आने वाले समय में या हमें अभी से ही इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को बढ़ावा देना होगा ताकि दंगों को रोका जा सके। बहुत ही बढ़िया, मतलब अपना एजेंडा तुम चलाओ, वो भी एक लव जिहाद की रियलिटी को दिखाते दिखाते अपना एजेंडा आगे चला। आपने ध्रुवराठी को कभी भी जो खासकर मुस्लिम पक्ष में मुसलमानों के बीच में जो कई साल जैसे 3 तलाक का कानून हो गया या वो शरिया को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं या कई सारी चीजों के बारे में कभी बोलते नहीं देखा होगा, एक वीडियो आपको नहीं दिख रही। अगर मिलेगी तो कभी राइटिस्ट के खिलाफ, कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी किसी ऐसी चीजों के खिलाफ
जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को हिट करती है। ये ध्रुव राठी एक ऐसा जयचंद है जो रहता तो न्यूजीलैंड में है लेकिन इंडिया की बुराइयां इसलिए करता है ताकि उसको पूरे वर्ल्ड में फेम मिले। यहां तक कि हमारे देश के लेफ्टिस्ट लोग ही इसको भर भर कर फॉलो करते हैं। मुझे उससे कोई परवाह नहीं है उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं उसके आसपास भी नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सच्चाई तो बोल सकता हूं ना। अब ध्रुव राठी ने आखिर में यही बोला कि सभी को मिलजुल कर रहना होगा और ये जो दंगा फसाद बताया जाता है या ये धर्म परिवर्तन लव जिहाद बताया जा रहा है ये सिर्फ 2% होता है और वो भी इक्का दुक्का केस होते हैं। ऐसे लोगों को ग्राउंड पे जाकर पता करना चाहिए कि असल में रियलिटी क्या है। एक छोटी सी एजेंसी जो अपने आप को बहुत बड़ा मानती है, अमेरिका की एजेंसियों ने हमने बहुत सारे सर्वे देखे हैं कि वो कैसे इंडिया की इमेज को डाउन करते हैं। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो इंडिया के पर्सनल मामलों में बोले। आप सभी को याद होगा फार्मर प्रोटेस्ट पे कनाडा का वो जस्टिन ट्रूडो जो ज्यादा हिमायती बन रहा था ब्रिटिश के, जो वहां पे जो वहां के नेता है उन्होंने भी कई बार बोला इसके अंदर, पर इंडिया ने एक सख्त मैसेज दिया कि हमारे अंदरूनी मामलों में कोई नहीं बोल सकता। तो मैं यही चाहता हूं आप सबसे कि ध्रुव राठी जैसे जो लेफ्टिस्ट हैं जो एक जानबूझकर एजेंडा चलाते हैं हर एक टॉपिक पर, आप उनको बेनकाब करें और ज्यादा से ज्यादा उनकी पोल पट्टी खोलें। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से ही मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं ये कंटेंट बना पाता हूं। धन्यवाद।